नमस्ते, कोनिच्छिवा। क्या हाल है आपके? आज आज बहुत ही सिंपल व्लॉग बनाने वाला हूँ। अभी जा रहा हूँ जापानी सुपरमार्केट में थोड़ा सामान लेने, तो आपको दिखाता हूँ जापानी सुपरमार्केट कैसी होती हैं, और थोड़ा बहुत लंच भी करेंगे। भूख लग रही है थोड़ी सी, तो एक रेगुलर यहाँ पे रेस्टोरेंट है पास में जापानीज, उसमें कुछ खाऊंगा। उसका भी छोटा सा एक शॉर्ट लूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या खाने वाला हूँ। तो आप बने रहना, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा आज। लेट्स गो। तो ये एरिया है एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ ना, मैं इधर अपार्टमेंट्स में रहता हूँ। मतलब ये मेंशन है बहुत बड़ा, और ये आसपास के घर ऐसे होते हैं जापानीज, आप देख सकते हैं। ये एरिया है जो पास में, जहाँ मेरे घर के सामने का एरिया है। ये नॉर्मल बड़े बड़े घर हैं। ये खड़ी मेरी गाड़ी, चलते हैं इसमें। ये वाला रेस्टोरेंट है, इसमें मैं जाऊंगा आज, ये साथ में ना। सो गाइस, ये रेस्टोरेंट है मेरे घर के पास है, तो कभी कभी मैं आता हूँ यहाँ खाने। यहाँ नूडल्स वगैरह ना, चाम्पोन रामेन वगैरह मिलता है, तो वो खाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। तो पास से आपको दिखाता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था ना, इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, थोड़े से सी फूड हैं, और नीचे फ्राइड नूडल्स हैं, उसके ऊपर ये ना एक मिक्स बना के डाल देते हैं। सो गाइस, गियोज़ा भी आ गया है। गियोज़ा मतलब मैंने आपको ऐसे बताया था ना, हाफ स्टीम और हाफ फ्राइड मोमोज आ चुका है। इसको सोए सोए उसके साथ खाते हैं, बहुत बढ़िया होता है। सो गाइस, खाना खा लिया है, मज़ा आ गया, अब सुपरमार्केट चलते हैं। ठीक है, तो गाइज पार्किंग में पहुंच गया हूँ सुपरमार्केट की ना। तो मैं जाने से पहले अंदर आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ, सुपरमार्केट में प्राइजेस वगैरह क्या सीन होता है ना। तो एक्चुअली एमआरपी तो जापान में होता नहीं, और जितने सुपरमार्केट है ना, वो डिपेंड करता है उनके लोकेशन पे। लोकेशन का मतलब जैसे स्टेशन के पास है, और काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया जो है उसके पास है, तो उसके रेट थोड़े से हाई होंगे। और एक जो नॉर्मल जनरल होगा, आराम से जो रेगुलर सुपरमार्केट होगा ना, तो उसके रेट रेगुलर होंगे, उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे। तो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे, प्लस उसके बाद उनको आगे से सप्लाई कैसी आ रही है। सप्लाई का मतलब उनको जैसा रेट आगे से आ रहा है, उसी हिसाब से उसके प्राइस होंगे, तो बस उसी पे डिपेंड करता है। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, और आप हैरान होने वाले हो, इतनी महंगे टमाटर, इतनी महंगी ये, इतनी महंगा वो, मजा आएगा आपको देख के ना। अरे बहुत महंगा है एक्चुअली, वो महंगा इसलिए क्योंकि वेदर कंडीशन और काफी सामान बाहर से भी आता है, तो इसलिए महंगा है। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ, ठीक है, लेट्स गो। सो ये जो मेरे घर के सबसे पास है, मैं इस वाले के अंदर आया हूँ। देख, ये नॉर्मल है, इतना बहुत बड़े वाला नहीं है, रेगुलर है। एक इधर फ्रोजन आइटम है ये सारे, इधर आपको जूस वूस मिल जाएगा। ये दूध है, मैं रेगुलरली ये पीता हूँ ये वाला दूध। तो ये आपको 1 लीटर का 100 रुपये के आसपास पड़ेगा, 1 लीटर का ना ये वाला। ये देखिए, अब ये ब्रेड्स हो गई जो रेगुलर यूज़ के लिए होती है ना, इसमें भी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। मतलब आप 100 रुपये के आसपास आपको मिलेगी एक पैकेट ना, 128 येन, अलग अलग क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप मान के चलो 100 रुपये की एक पैकेट मिल जाएगा आपको। ये सब जापनीज प्रोडक्ट्स हैं ना, तो मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊंगा, जो मेन मेन है वो थोड़ी बहुत उनके प्राइस और वो दिखाता हूँ, ठीक है। ये फ्रेश फिश हो गई, उस साइड फ्रेश मीट मिलता है, ड्रिंक्स हो गई, अल्कोहल सब मिल जाएगा आपको। ये सारी फ्रेश फिश मिल जाएगी आपको ना, लॉबस्टर्स, फिश, सेसामी। इधर से सारा ये फ्रेश मीट एरिया है ना, मिंच हो गया, पोक बीफ जो ये सब खाते हैं जापानीज, सारे खाते हैं, चिकन हो गया, ये सब चिकन का एरिया है। पूरा लाइन से वहाँ तक आगे तक लगा पड़ा है। इधर चिकन का है, उधर पोक हो गया, बीफ हो गया, सब मिक्स्ड है, ये सारा मीट का एरिया है। ये अंडों का सेक्शन है, अंडे भी इतने सारे आपको वैरायटी के मिलेंगे, ब्राउन वाइट वाले हो गए, अलग अलग क्वालिटी के अंडे मिल जाएंगे आपको। रेगुलर है उसका प्राइस, अब मान के चलो 150 रुपये का, ये वाले हो गए ना, ये 150 रुपये का पैकेट है, 10 अंडे जिसमें होते हैं। ये अल्कोहल एरिया है, यहाँ पे आपको विस्की, स्कॉच सब मिल जाएगा, ये देखिए ना, भरमार अल्कोहल तो सस्ता मिलता है, देखिए बहुत वेराइटी है, पूरा भरा पड़ा है, जो आपका मन है, जो आपको पसंद है, निहोन शोचू, साके वाके, ड्वाइन सब मिलेगा।
ये विस्की का कॉर्नर है, आप देखिए ना, बड़ी बड़ी बोतलें है तो बहुत सस्ती, और जापान में ना ऐसे बड़े बड़े बहुत मिलते हैं, 5 लीटर के 4 लीटर के बड़े बड़े जार। एक्चुअली ये उनके लिए है जो जिनकी दुकानें हैं ना, जिनके सेंटर जो है अपना क्या नाम है बार होते हैं ना उनके, वो लेके जाते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है। ये देखो 5-5 लीटर के कैन बड़े बड़े। जापानी सुपर मार्केट में एक्चुअली आपको जो स्पाइसेस होते हैं ना, ऐसे अपने इंडियन सुपर मार्केट में होते हैं वैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं ना, ये मिल जाती हैं। ये देखिए ये नींबू है तो बहुत बड़े साइज़ का, लेकिन ये एक है ऑलमोस्ट 70 रुपये का है एक नींबू। ये आधी बंद कटी हुई बंद गोभी 120 रुपये के आसपास, 159 yen, आधी है ये गोभी, पूरी भी नहीं है सारी। सो गाइस ये देखो, ये इतना सा है धनिया, इसे बोलते हैं ना कोरिएंडर, ये इतना सा 100 ग्राम भी नहीं है मेरे ख्याल से इसके अंदर। ये है आपका ऑलमोस्ट 150 से 180 रुपये का, बहुत एक्सपेंसिव है। जो हमारे यहाँ आप सब्ज़ी खरीदते हैं ना सब्ज़ी वाले से, इतना तो वो फ्री में डाल देता है। ये और मिर्च थोड़ा भैया हरा धनिया मिर्च डाल दो, वो वाला हिसाब किताब में जितना मिलता है ना, उसके लिए यहाँ पर आपको 150 रुपये के आसपास लग जाएंगे। ये आपका केला मिल रहा है ना, बनाना एरिया, अलग अलग क्वालिटी के ऊपर है इसके प्राइसेस ना। नॉर्मली आपको जैसे ये वाला है ना, इसमें कितने हैं 4, और ये पड़ेगा आपको ऑलमोस्ट 150-170 रुपये का। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना मेरे पीछे, ये वाला जो सेक्शन है, ये यहाँ पे भी सेब मिल रहा है, ये भी ऑलमोस्ट 100 रुपये का एक है। जहाँ जापान में जाए तो वेजिटेबल जो फ्रूट जितने भी है ना, वो आपको पीस के हिसाब से बिकते हैं, तो ये 100 रुपये का एक सेब, अरे बाप रे, बहुत महंगा। और अभी सीजन चल रहा है संतरों का ना थोड़ा, तो संतरों की क्वालिटी और अलग अलग वेराइटीज आ रखी है। अब नॉर्मल एक ऐसा पैकेट खरीदेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास, 350 के आसपास पड़ेगा, 10 के आसपास है, 10 पीस है, लेकिन होते बहुत टेस्टी। आप कुछ भी लेंगे ना, कोई सेब ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपको मिलेगा बढ़िया। और यहाँ इस तरफ है जो फ्रेश आइटम्स जो बनाते रहते हैं ना, लंच बॉक्स हो गए, फ्राइड चिकन हो गया, ये पास्ता हो गया, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। कई लोग हैं ना जो अपना घर पे खाना नहीं बनाते, टाइम नहीं है, तो वो लोग ऐसे ओबेंटो जो होते हैं, इसको ओबेंटो बोलते हैं, लंच बॉक्स ये ले जाते हैं। इधर सुशी भी है, अलग अलग आपको वैरायटी मिल जाएगी। सो गाइस ये देखिए, ये है सबसे हैरान करने वाली चीज़, एक टमाटर आपको यहाँ पर मिल रहा है 100 रुपये का, ये 100 से भी ज़्यादा का एक्चुअली है। एक एक पीस के हिसाब से हर चीज़ ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना पीस के हिसाब से मिलती है। सो गाइस सामान खरीद लिया है, शायद आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे रेगुलर मैं तो यही करता हूँ बस, तो आपको दिखा दिया आसपास मेरे क्या है। ये पीछे वाला जो स्टोर था, यहाँ से मैंने अपना सामान खरीदा था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।